हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेक्रेड हार्ट्स ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास। आई एम योर कंप्यूटर टीचर हिमानी मैसी एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर फोर्थ चैप्टर कीबोर्ड स्पेशल कीज। इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट सम अदर कीज एंड आवर फर्स्ट की इज कैप्स लॉक की। द कैप्स लॉक की इज यूज्ड टू टाइप लेटर्स इन कैपिटल्स। जो कैप्स लॉक की होती है वो बेसिकली आपके जो लेटर्स होते हैं उनके कैपिटल में टाइप करने के लिए यूज होती है। प्रेस द कैप्स लॉक की वंस द कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑन। कैप्स लॉक की को एक बार प्रेस करिए और कीबोर्ड पे उसकी जो लाइट है वो ऑन हो जाती है। इट मींस दिस की इज टर्न ऑन। देन प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन द कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑफ। एक बार और प्रेस कीजिए और कैप्स लॉक की जो लाइट है वो ऑफ हो जाएगी। नाउ टाइप द सेंटेंस अगेन एंड सी द डिफरेंस। क्या डिफरेंस होगा? जब आप उसे ऑन करते हैं देन कैप्स लॉक की इज ऑन, मीन्स कैपिटल लेटर्स आएंगे, और जब आप उसे ऑफ कर देते हैं तो आपके सारे लेटर्स कैसे होंगे? स्मॉल होंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ की इज एंटर की। द एंटर की इज यूज टू ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन ऑन द मॉनिटर। A keyboard has two enter keys. Enter key basically जब हम typing start करते हैं monitor पे, तो जब हमारा cursor end of the page पे आ जाता है तो हमें next line पे उसको लाने के लिए हम enter key को use करते हैं, या फिर paragraph change करने के लिए हम enter key use करते हैं। Basically हमारे पास keyboard पे two type की enter keys होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको different two images show हो रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है बैकस्पेस की। बैकस्पेस की इरेजेस द लेटर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। बैकस्पेस की एक इरेज की होती है जिससे कि हम टेक्स्ट को इरेज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले हमें अपने कर्सर की पोजीशन सेट करनी होती है, और डिजायर्ड प्लेस पे कर्सर को प्लेस करने के बाद जब हम बैकस्पेस की प्रेस करते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के जो कर्सर के जो लेफ्ट हैंड साइड के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डिलीट होते हैं। द नेक्स्ट टाइप की इज डिलीट की। द डिलीट की इरेजेस द लेटर टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर। डिलीट की बैकस्पेस की तरह ही होती है, ये भी लेटर्स को इरेज करने के लिए यूज़ होती है। बट द मेन डिफरेंस बिटवीन द बैकस्पेस की एंड डिलीट की इज़ बैकस्पेस की डिलीट्स द लेटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड डिलीट की मूव्स टू द राइट हैंड साइड। तो डिलीट की क्या होती है कि जहाँ पे आपका कर्सर प्लेस होता है वहाँ से राइट साइड के लेटर्स को वो इरेज करती है। देन वी हैविंग अ नेक्स्ट की इज एरो कीज। वी हैव अ फोर टाइप ऑफ एरो कीज एंड दीज फोर टाइप ऑफ एरो कीज बेसिकली हेल्प टू मूव अ कर्सर इन फोर डिफरेंट डायरेक्शन। द फर्स्ट टाइप ऑफ की इज अप एरो की। दिस एरो की इज यूज टू मूव द कर्सर अप। जब हम अप एरो की कोई प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर अपवर्ड्स मूव करता है। देन डाउन एरो की इज़ यूज टू मूव द कर्सर डाउन, एंड डाउन ऑब्वियसली पेज के डाउनवर्ड्स मूव करता है। देन वी हैविंग द लेफ्ट एरो की। लेफ्ट एरो की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द लेफ्ट। ये कर्सर को लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव करता है। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ एरो की इज राइट एरो की। इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट। ये हमारे जो कर्सर होता है उसको राइट साइड मूव करता है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज फोर टाइप ऑफ एरो कीज यू कैन मूव योर कर्सर इन ऑल फोर डायरेक्शंस। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ कीज आर पंक्चुएशन कीज। पंक्चुएशन मार्क्स आर द स्पेशल सिम्बल्स दैट आर यूज वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ और अ सेंटेंस। These symbols bring clarity in a language. Some common punctuation marks are full stop, comma, question mark, exclamation mark, etc. Punctuation marks वो marks होते हैं, ये special symbols होते हैं जो कि हम paragraph या sentence writing के time पर हम इनको use करते हैं। Basically इन marks की वजह से हमारी जो language होती है, जो हमारे sentence हम frame करते हैं उसमें ज़्यादा clarity आती है। वो ज़्यादा जो भी हमारा चीज़ लिखते हैं हम पैराग्राफ या सेंटेंस उसका मीनिंग ज़्यादा क्लियरली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें से कुछ पंक्चुएशन मार्क्स बहुत कॉमन होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, लाइक फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो हम नॉर्मली सेंटेंस में यूज़ करते ही करते हैं। ये पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं वो भी हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल होते हैं, जिनको कि हम अपनी ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंटेशन इनको यूज़ करते हैं। सो दीज आर फॉर टुडेज क्लास। विल कंटिन्यू दिस चैप्टर नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।